विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना को बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने को लेकर गठबंधन में तकरार जारी है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे पैच। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे के बाद दोनों दलों के बीच तलवार सी खिंच गई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे के बाद तल्ख लहजे में कहा, मैंने उद्धव ठाकरे के साथ कई मुद्दों पर काम किया, लेकिन इस बार मैंने उद्धव ठाकरे को फोन किया तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की। शिवसेना और बीजेपी के बीच सीएम पद को लेकर 50-50 पर मेरे सामने कभी कोई निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा, मैंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और नितिन गडकरी से भी इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने भी सीएम पर 50-50 फॉर्मूले पर किसी भी तरह के फैसले से इनकार किया। फडणवीस के आरोप के बाद बारी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की थी। मुंबई में आयोजित पीसी में उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के अलावा बीजेपी और पार्टी प्रमुख अमित शाह पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उद्धव ने बीजेपी को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार बनाए वरना विकल्प खुले हुए हैं। झूठ कौन बोलता है ये सबको पता है। गठबंधन को लेकर हमारी क्या चर्चा चल रही थी उसकी भी बात करिए, झूठी बात मत फैलाइए। मेरे पिता को मेरा वादा था कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना के व्यक्ति को पहुंचाऊंगा और मैं इस पर अड़िग हूं। पिछले 25 साल तक हम इसी बात पर अड़ते रहे कि जिसकी सीट ज्यादा रहेगी वही सीएम बनेगा। अमित शाह से बात हुई थी, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, महाराष्ट्र की जनता को उल्लू बनाना बंद करे। बीजेपी दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि दो गुजराती हमें राष्ट्रवाद बताएंगे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनकी गंगा साफ करते करते हमारा मन गंदा हो गया। यानी कि इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि सत्ता के नशे में चूर है बीजेपी, बीजेपी के दिमाग में गंदगी घुस चुकी है। राम के एक वचन पर कायम नहीं रह सकते, संघ स्पष्ट करे कि क्या हम हिंदू पार्टी नहीं है। इसी के साथ ही ये भी कहा कि मित भाई ने कहा था कि हमारे बीच काफी कुछ गड़बड़ हुआ था और मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। अमित शाह से मुख्यमंत्री पद के लिए साफ बात हुई थी, इस वादे पर आज भी बीजेपी के साथ कायम हूँ। फडणवीस का सपोर्ट किया था क्योंकि वे अच्छे मित्र है, झूठों की पार्टी नहीं है शिवसेना। मेरे पास वक्त था और मैं बात कर सकता था, लेकिन मैं झूठ बोलने वालों से बात नहीं करता। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे छोटा भाई कहते हैं और बीजेपी ने मुझे ठग लिया। लोगों को अमित शाह एंड कंपनी पर कोई भरोसा नहीं है, आगे गलती नहीं करूंगा। इसी के साथ ये भी कहा कि बीजेपी सरकार बनाए नहीं तो हमारे विकल्प खुले हैं। महाराष्ट्र को सरकार की जरूरत है क्योंकि किसान सूखे और अतिवृष्टि से परेशान है। कांग्रेस और एनसीपी से मैंने अभी तक बात नहीं की है, बीजेपी के ऊपर है कि महाराष्ट्र में हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी या नहीं। इसी के साथ ही ये भी कहा कि एक ना एक दिन मैं शिवसेना के शख्स को मुख्यमंत्री बनाकर रहूंगा। और ये भी बताया कि मैंने नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की ही आलोचना की है कि व्यक्तिगत नहीं, जिसमें सच्चाई नहीं है वो झूठा हिंदू है। हमारे बीच लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, मैंने कम्युनिकेशन रोक दिया है क्योंकि उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। ये सारी बातें उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के इस्तीफे के बाद जो फडणवीस ने बातें कही थी उनके जवाब में कहा है। SPN 9 न्यूज़ रूम से श्रुति की रिपोर्ट।